हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन किचन। और आज मैं आपको पापलेट फ्राई बता रही हूँ रेसिपी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको एक फिश बता देती हूँ, एक पापलेट कैसे इसको हम कट करेंगे। इनके विंग्स जो है हम कट कर देंगे। इनको हमने वॉश करके रखा था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको वॉश करेंगे। ये इस तरह से कट कर देंगे हम, और ये हिस्सा भी हम इसे निकाल देंगे। और इसमें हम ऐसे कट्स लगा देंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मैरिनेशन का अच्छे से लग सके। इसको ऐसे कट्स कर देंगे। इसके लिए हम एक स्पेशल चटनी बनाएंगे। हमने ये पुदीना, फ्रेश पुदीना, वो धनिया लिया है, और ये सूखा पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये आधा चम्मच पुदीना पाउडर है, और ये 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, काला नमक है, वाइट नमक है, 1 चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर है, और ये 3 लाल मिर्ची है और हरी मिर्ची है, और ये हमने इमली का पल्प निकाला हुआ है। ये हम इस मिक्स करके एक चटनी बना देंगे। लीजिए, हमारी चटनी तैयार हो गई। इसको हमें निकाल लेते हैं बाटी में। अब हम मछली के लिए एक मैरिनेशन के लिए मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, थोड़ा सा और ले लेंगे तो ही फ्लेवर अच्छे आते हैं। और ये देखिए, ये मसाले हैं, देखिए, ये 1 चम्मच तंदूरी चिकन का मसाला है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर है, आधी काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1/2 चम्मच काला नमक है, और हम ये वाला वाइट नमक भी डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 चम्मच ये भी अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, और साबित धनिया और चिली फ्लेक्स डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये सब हम इसमें डाल देते हैं, और इसमें हम ऑयल डालेंगे और फूड कलर भी डालेंगे, उससे कलर अच्छा आएगा। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो नहीं। और ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। भुने हुए चने का मैंने पाउडर बना रखा है, इसमें वो डालेंगे 2 चम्मच हम अपनी फिश के हिसाब से। आप बेसन भी डाल सकते हो अगर आपके पास वो नहीं है। और इसमें हम सूजी भी डालेंगे, इससे क्रिस्पी बनेगी हमारी मछली। 2 चम्मच सूजी का पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से, इसमें थोड़ा सा हम वाटर डाल देंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को। इसमें हम नींबू का रस भी डालेंगे, और नमक मिर्च हमेशा मैं बताती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। आप इसके अंदर हम अपनी फिश डालेंगे। हमने फिश को वॉश अच्छे से करके छन्नी में रख दिया था ताकि उसका पानी निकल जाए पूरा, और ये मैरिनेशन हम इसको अच्छे से फिश पे लगाएंगे। इसको अच्छे से लगा के और 10 मिनट में हम अपनी फिश फ्राई करेंगे। इसमें ऑयल ज़रूर डालिएगा ताकि अच्छे से मसाला लग जाता है। तेल को हमने अच्छे से हीट कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो, मीडियम कर लेंगे, थोड़ा लो कर देंगे ताकि, हाँ, अब हम अपनी फिश को, पापलेट को इसमें डालेंगे। हमने फिश को डाल दिया है। अब 1-2 मिनट हम इसको नहीं छुएंगे, इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे। अब इसको हम पलटेंगे, देखिए इसका बबल ख़त्म हो गए, यानी ये कुक हो रही है, और इसको पलट देंगे हम और अच्छे से कुक हो जाएंगे। हमारी रेसिपी निकाल देते, ये तवा फ्राई, ये तवा फ्राई बना रही। आपको कौन सी पसंद है वो बताइए, ये मीडियम फ्लेम पे है। अब 2 मिनट के बाद हम पलट रहे हैं, जब फ्राई हो गई हमारी पापलेट। रेसिपी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम डिश आउट की तैयार हो गई पापलेट फ्राई। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।